press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल दुनियादारी आइडिया फॉर लाइफ में। दोस्तों, आज मैं जो बॉक्स मेरे हाथ में देख रहे हैं, बोया BY-MO लेवलियर माइक्रोफोन का बॉक्स है। दोस्तों, आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और इस पर रिव्यू भी देने वाला हूं। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि मैंने कहां से बाय किया, कितने में किया और इसका यूज़ कैसे करते हैं, ये आज मैं सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, बाय द वे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो के साथ। ये देखिए दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है बोया BY-MO लेवलियर माइक्रोफोन है। इसका बॉक्स जब आप लेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। इसमें देखिए पीछे फीचर्स एंड कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है और आगे साइड आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेटेबल विथ मोबाइल फ़ोन, टैब, कंप्यूटर, कैमरा एंड वीडियो कैम। तो दोस्तों, ये देखो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, फॉर स्मार्टफोन कैमकॉर्डर DSLR ऑडियो रिकॉर्डर PC एक्सेट्रा। तो मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ। ये देखिए बोया का माइक्रोफोन है, काफ़ी अट्रैक्टिव पाउच दिया हुआ है इसमें इसे रखने के लिए। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, ये देखिए ये बोया का माइक्रोफोन है और इसकी जो लेंथ है ये काफ़ी अच्छी है, 20 फीट है। इससे आप दूर तक की वीडियो बना सकते हैं, डिस्टेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मैनुअल गाइड दिया हुआ है, यहाँ पे इसमें कैसे यूज़ करते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है, सब दिया हुआ है इसे। और क्या है इसमें देखते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इस माइक्रोफोन को हम एम्पलीफायर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए पिन दिया हुआ है जिसके अंदर हम जॉइंट करके इसे एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं माइक्रोफोन में। तो देखिए दोस्तों, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें देखिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एक बटन दिख रहा है आपको। अगर आपको कैमरे से रिकॉर्डिंग करना है तो इस बटन को आपको ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद आप एक कैमरे में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन से यूज़ करना है, टैब से यूज़ करना है, तो आपको नीचे करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी अच्छा है। इसे एक्चुअली बोला देखा जाए तो ये मैंने मुंबई से लिया हुआ है क्योंकि मैं मुंबई में रहने वाला हूँ, तो ये मुझे स्टोर से अवेलेबल हो गया। और इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ, ये आपको 700 तक आ जाएगा और बाकी जगह आप ख़रीदने जाएंगे इसे तो ये कम से कम आपको 1000 में मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन ख़रीदना है तो मैं आपको एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा। अगर उस लिंक के तहत आप जाके इसे बाय करते हैं तो आपको जिस प्राइस में मैंने पाया है 700 में, उसके आसपास ये मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। और बाकी तो मैं आपको इसके आगे की वीडियो में कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, इसकी लेंथ तो आप ये वायर देख के पता कर सकते हैं कि 20 फीट इसकी लेंथ है। तो अब आ जाते हैं रिव्यू की तरफ। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये बोया माइक है और इसका बॉक्स है। तो दोस्तों, ये जो बोया माइक है इसे मैंने अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लिया है और जो आप ये आवाज़ सुन रहे हैं ये सब बोया माइक की क्वालिटी है। और जो आगे की जो वीडियो मैं बताऊँगा वो बिना बोया माइक की आवाज़ होगी और इससे आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि बोया माइक की आवाज़ में और नॉर्मल जो बोलने वीडियो में जो बोला जाता है उस आवाज़ में कितना फ़र्क है। तो दोस्तों, आपके सामने जो रिव्यू मैंने कर दिया है तो अभी आप फ़र्क देख सकते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बिना बोया माइक के मैं बोल रहा हूँ तो आपको ये आवाज़ और ये नॉइज़ आपको पता चल रही होगी जो आपको बोया माइक में नहीं मालूम पड़ रही थी। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आप एक कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।